और बात बंगाल की चुनावी राजनीति की करते हैं, जहां पर ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन को घसीट लिया है और दीदी ने ये आरोप लगाकर चौंका दिया कि मिशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी सनातन को गाली दे रही है। दीदी और पीएम मोदी के बीच की जुबानी जंग पर ये खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पीएम मोदी ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने धार्मिक संगठनों पर राजनीति करने के आरोप लगाए थे। एक रैली में ममता ने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक संगठनों के साधु सन्यासी चुनाव में बीजेपी की मदद कर रही हैं। भारत सेवाश्रम के सन्यासी प्रदीप्तानंद महाराज उर्फ कार्तिक महाराज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। कार्तिक महाराज ने कहा है वो टीएमसी एजेंट्स को पोलिंग बूथ में जाने नहीं देंगे। मैं भारत सेवाश्रम का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन अब कार्तिक महाराज को संत नहीं मानती क्योंकि वो सीधे तौर पर राजनीति में शामिल हो गए हैं। रामकृष्ण मिशन के सदस्य भी दिल्ली के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। कुछ संतों से कहा गया है कि वो बीजेपी के लिए वोट मांगे। हालांकि धार्मिक संगठनों ने ममता के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पीएम मोदी ने बंगाल में रैली के दौरान घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया। टीएमसी देश के दूसरे राज्य वालों को बाहरी बताती है, लेकिन अवैध घुसपैठिए इनको अपने लगते हैं। ये घुसपैठिए बंगाल में जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहे हैं।